मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने से राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले 48 घंटों में एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। इधर भोपाल में भी गुरुवार सुबह से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। अगले 48 घंटे के दौरान भी झाबुआ, अलीराजपुर, भिंड, हरदा, दतिया, श्योपुर, नीमच, राजगढ़, रतलाम, होशंगाबाद, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, शहडोल, सिवनी और सिंगरौली जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है। अन्य क्षेत्रों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इधर बात करें रायपुर की, जहां पर रायपुर से लगे दलदल सिवनी इलाके के कई नालों का जलस्तर बढ़ने से पानी सड़क से ऊपर बह रहा है, बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। वहीं धनेली और टेकारी जाने वाले मार्ग पर 7 फीट से ज्यादा पानी बहने के कारण रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि हर साल ऐसी स्थिति बनती है जिसकी वजह से आवागमन में दिक्कतें होती है। इस मार्ग पर पुलिया बनाए जाने की आवश्यकता है। प्रदेश हो रही बारिश की वजह से नदी नाले का जलस्तर भी बढ़ता नजर आ रहा है। मैं अभी राजधानी के दलदल सिवनी इलाके में हूँ। यहाँ पर दलदल सिवनी से धनेली जाने वाला मार्ग पर नाला पड़ता है, वो नाले रोड के ऊपर है और उसकी वजह से आप देख सकते हैं रोड पर काफी पानी बह रहा है। पूरी तरीके से जो आवाजाही है वो बंद हो चुकी है। एक तस्वीर उधर मैं दिखाना चाहता हूँ। काफी गाड़ियां पीछे खड़ी है क्योंकि ये रोड है जो दलदल सिवनी से धनेली जाने वाला मार्ग वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। लगातार नाले का जलस्तर यहाँ पर बढ़ रहा है। इसके अलावा दलदल सिवनी के कई ऐसे और नाले हैं जहाँ पर पूरी तरीके से जो आवाजाही है वो बंद हो गई है। तो लगातार जलस्तर यहाँ से बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग यहाँ रहवासी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कौन सा मार्ग है भैया? ये यहाँ से टेकारी जाने वाली मार्ग है, रायपुर से टेकारी। तो यहाँ पे हमेशा आवागमन रहता है, साथ ही साथ यहाँ पे लोग काफी आने जाने में दिक्कत हो रहा है और पानी हमेशा हर साल की बात है, ये ऐसे ही पानी इसमें चलता है। लास्ट 2-3 साल से लेकर लास्ट ईयर तो देखा जाए तो यहाँ तक पानी चल रहा था, तो आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा था हम लोगों को। ये बनाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया क्या? नहीं, अभी तक तो फिलहाल कोई ठोस कदम उठाया नहीं, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो नाला कब से ऐसे ही चल रहा है। साथ ही जब इसका मरम्मत किया जा रहा था तो थोड़ा सा ही मरम्मत हुआ, अच्छे से उसका काम भी नहीं हो पाया। स्थानीय विधायकों और जो जनप्रतिनिधि उनको पता है कि ऐसा रोड हमेशा सभी को पता है कि यहाँ पे पानी का ऐसा नाला बहुत डाउन है, उसको ऊपर बना दे, एटलीस्ट फ्लाईओवर बनाना चाहिए यहाँ पे, ताकि काफी आवागमन की जो सुविधा हो लोगों को। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को यहाँ पे, क्योंकि पीछे ही रहते हैं हम लोग यहाँ पे। निश्चित तौर पर काफी परेशानी इस रोड के बंद होने से लोगों को हो रही है, क्योंकि आपस में कई गांवों का संपर्क इससे टूट गया है। और इसके उस पार अगर जो तस्वीर हमको दिख रही है, ये सिवनी का इलाका है जो राजधानी रायपुर का काफी बड़ा इलाका भी माना जाता है। उसके साथ ही दलदल सिवनी से जो धनेली जाने वाला टेकारी जाने वाला मार्ग है, लोग लगातार आवाजाही इससे करते हैं। अपनी जरूरत का सामान लेने वो दलदल सिवनी भी जाते हैं, लेकिन रोड में पानी होने की वजह से पूरी तरीके से जो लोग हैं वो आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि चिंता का विषय यह है कि हर साल इसी तरह की दिक्कत इस रोड पर आती है, उसके बावजूद न तो यहाँ पर किसी प्रकार का पुल बनाया गया, न किसी प्रकार का ध्यान जनप्रतिनिधि के द्वारा दिया गया। तो जलस्तर लगातार बढ़ रहा है जिससे नदी नाले भी उफान पर हैं। कैमरामैन रेखराम के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, सनातपुर। और